हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पूरे हिमाचल वासियों को 15 अप्रैल हिमाचल दिवस की बधाई दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में जानकारी दी व प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव हेतु कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 15 अप्रैल 1948 को 32 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तब पहाड़ी इलाके हिमाचल में आए, जिसमें कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, नालागढ़, शिमला, कोटखाई, लाहौल स्पीति, कुल्लू आदि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए थे और वर्तमान स्वरूप हिमाचल का बना था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हिमाचल दिवस है। 15 अप्रैल 1948 को 32 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ था। फिर 1 नवंबर 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो पहाड़ी इलाके जो थे वो हिमाचल में आए, इसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, नालागढ़, शिमला शहर, कोटखाई के कुछ क्षेत्र, ऐसे कई कुल्लू, लाहौल स्पीति वगैरह सब हिमाचल में शामिल हुए थे और वर्तमान स्वरूप हिमाचल का बना था। तो आज हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। 1971 में पूर्ण राज्यत्व का दर्जा इसको मिला और जो विकास विभिन्न सरकारों के इसमें हिमाचल ने किया वो आदर्श बना है बहुत सारे राज्यों के लिए। पहाड़ी राज्यों के लिए तो हिमाचल विकास का आदर्श है ही, लेकिन कई क्षेत्रों में तो हिमाचल ने सारे देश के राज्यों को एक मार्गदर्शन दिया है विकास का, एक मॉडल स्टेट के तौर पर उभर रहा है। आओ हम सब मिलकर खूब मेहनत करें, हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग डट जाएं और हिमाचल को फिर सबसे ऊपर पहुंचाएं। भौगोलिक तौर पर ईश्वर ने हमको सबसे ऊपर बनाया ही है। आओ हम विकास के मामले में देश में सबसे ऊपर हिमाचल को लेकर चलें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं, मुंह पर मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज के साथ सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सचमुच में बहुत ही चिंताजनक खबर है। जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं इसके कारण बहुत से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, लाखों लोग एक एक दिन में ग्रसित हो रहे हैं, हजारों की संख्या में डेथ हो रही है। मेरा सबसे निवेदन है कि वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने, हाथ धो के रखें हमेशा, बार बार धोते रहें और सोशल डिस्टेंस को बना के रखें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद भी मास्क जरूरी है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जरूरी है और स्वच्छता भी जरूरी है। ये चारों काम हम करेंगे तभी बच सकते हैं, अन्यथा बड़ा गंभीर रूप इस महामारी का हो गया है।